क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट आपको चेक करना चाहिए, एंड ये इट्स नॉट ए इजी जॉब, नॉर्मल क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो व्हाट्स इट, हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द टिप्स फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी, व्हाट इज रेरा, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इन कोलकाता राइट नाउ, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट टुडे आई शायरी विल ब्रिंग यू एन अमेजिंग शो. We will have a detailed discussion and a one-to-one conversation with someone who has years of experience under his belt, has an MBA degree from a reputed organization, and has worked with the top players in the industry like JLL, Shapurji, and others. Mr. Abhijit Ghosh. First of all, sir, thank you so much for coming to our podcast show. आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के जो आप हम लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर एंड इट्स ऑलवेज लव टू डिस्कस अबाउट कलकत्ता मार्केट. थैंक यू. आज आपसे बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ बताना है अपने व्यूअर्स को, तो डेफिनेटली मैम आई विल आल्सो ट्राई टू गिव व्हाटएवर नॉलेज आई हैव, एक्सपीरियंस आई हैव, आई विल शेयर विद यू. तो सर, ये जो कलकत्ता का मार्केट है रियल एस्टेट में, ये बहुत ही बूमिंग मार्केट है, अभी बहुत ही प्रॉमिसिंग एक मार्केट है. So, इसमें इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इस बारे में आपको क्या कहना है सर? इसमें एकदम आप सही बोल रहे हो. कलकत्ता जो है ना, अभी बहुत बहुत पोटेंशियल है कलकत्ता के अंदर. आई हैव वर्क्ड इन दिल्ली, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, जो गुड़गांव था, कलकत्ता इज गोइंग दैट सिमिलर फेज में अभी चल रहा है. स्पेशली कुछ नया जगह जो डेवलपमेंट हुआ है, जोका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, देन आई फील जो बाईपास है उसको अभी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है, सदर्न बाईपास, वो भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस जगह में एंड एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेरे को लगता है कलकत्ता इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा टाइम है, सही टाइम है. सो सर, दैट वाज अ वेरी इनसाइटफुल आंसर. तो मुझे ये जानना है सर कि जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो एंड यूजर्स है जिसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी लेना है, उन लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी लेने के लिए? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब प्रॉपर्टी कोई खरीदता है, कुछ कुछ चीज़ को आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये लाइफ में इंसान एक दो बार ही खरीदता है, एंड अगर हमने कुछ चीज़ गलत कर लिया, अगर कोई हमने बिना रिसर्च किए हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए अगर हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो बहुत लॉस हो जाता है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम मेरे को लगता है फर्स्ट आपको लोकेशन के बारे में रिसर्च करना चाहिए, क्या वो लोकेशन नेक्स्ट 5 साल में कहाँ पहुँचने वाला है, क्या वो लोकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से नया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने पाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आई विल से मेट्रो, उसके बाद ट्रेन लाइन, उसके बाद फ्लाईओवर, उसके बाद नया नेशनल रोड NH, नया बाईपास, ये सब क्या बनने वाला है, ये आपका रिसर्च के अंदर ये सब पॉइंट मस्ट होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी. और भी आई विल से नॉट ओनली इन्वेस्टिंग, इफ यू बाइंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, अगर आप एंड यूज पर्पस के लिए देख रहे हो, आपको ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग एनी प्रॉपर्टी. आपका ये मानना है कि कनेक्टिविटी जो है उसके ऊपर आप थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि ये जो आपने बताया, ये सब जो चीज़ आप बताया कि मेट्रो कनेक्टिविटी या फिर ट्रेन लाइन या फिर ये जो आप जो भी चीज़ आप बताए, तो कनेक्टिविटी के ऊपर एक चीज हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना है बिफोर परचेसिंग. एकदम, आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज़ हम लोग अगर घर भी खरीदते हैं, वी नीड कनेक्टिविटी. हम आजू बाजू क्या स्कूल्स है, क्या हॉस्पिटल्स है, क्या वर्क प्लेस कहाँ है, जैसे मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ सदर्न बाईपास, क्योंकि मेरे को लगता है सदर्न बाईपास का जो पोटेंशियल है अभी भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया. जैसे गोड़िया मेट्रो से बहुत नज़दीक है, एंड वो गोड़िया मेट्रो आने वाला 1-1.5 साल के अंदर शॉर्ट टेक के साथ कनेक्टिविटी चालू हो जाएगा, तब का जो पोटेंशियल है लोगों को जो अब पता नहीं है वो बहुत बड़ा होने वाला है. तो वो उस हिसाब से देख के मैं सदर्न बाईपास को बहुत मैं मानता हूँ, क्योंकि राजाहाट न्यू टाउन नॉलेज है न्यू टाउन में, बट न्यू टाउन में अभी जो पर स्क्वायर फीट रेट है, जो टिकट साइज है, वो बहुत ज्यादा चला गया. तो नॉर्मल कस्टमर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनको एक 3 BHK घर चाहिए, जिसको एक सपना है कोलकाता में एक 3 BHK मेरे को फ्लैट खरीदना है, उनके लिए मेरे को लगता है सदर्न बाईपास, सदर्न एक्सटेंस बाईपास बहुत अच्छा लोकेशन है. अगर मैं ये सब पॉइंट को सब देखता हूँ, कनेक्टिविटी, ऑफिस स्पेस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड लोकलिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा डेवलपर है वहाँ पर अभी, दे आर कमिंग एंड दे आर मेकिंग वेरी स्मार्ट सिटी डेवलपर लाइक मार्लिन, दे आर क्रिएटिंग मार्लिन का एक प्रोजेक्ट है, देन बहुत बड़ा डेवलपर लाइक सुरेखा ग्रुप, दे आर क्रिएटिंग 300 फ्लैट ऑलरेडी उन्होंने हैंड ओवर दे चुका है, आई थिंक 600-700 यूनिट दे आर कमिंग अप. सीजन जो वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर इन कलकत्ता, दे आर ऑल्सो मेकिंग बंगलोस विलास वहाँ पर, उनका 2 प्रोजेक्ट है. तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा लोकेशन है, नेक्स्ट 5-6 साल में सदर्न बाईपास बहुत बड़ा
एक हॉट स्पॉट बनने वाला है इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो साथन बाईपास के ऊपर आप जो बोल रहे हैं कि उसका पोटेंशियल इतना है, तो आपको क्यों लगता है कि अभी तक साथन बाईपास इतना फोकस में क्यों नहीं आया है, इसका वजह क्या हो सकता है? इसका मैम ये बहुत सही आप क्वेश्चन पूछो, जिसको मेरे को लगता है लोगों ने रिसर्च नहीं किया। जैसे हम लोग इंडियन हम लोगों का आदत है जी भाई सब चल रहा है तो हम भी चले, सब न्यू टाउन की तरफ जा रहे हैं, बट न्यू टाउन में किसी ने सोचा नहीं कि कोलकाता में और एक जगह डेवलप हो सकता है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज में देख रहा था कि अलीपुर कोर्ट अलीपुर जेल जो गवर्नमेंट का ऑफिस है गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड बायपुर एंड ये बाईपास जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, दे आर डेवलपिंग। ये शायद लोगों ने क्योंकि नॉर्मल पब्लिक के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ये सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, कि नॉर्मल पब्लिक सुबह अपना जॉब में जाता है अपना ऑफिस काम करते हैं फैमिली देखते हैं, वो लोग एकदम नई नॉलेज होते हैं पीपल लाइक आस मी आप हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता होता है बिकॉज मैं इसी सेक्टर में हूँ तो मैं ये सब चीज डिस्कस होता है जब भी मैं किसी सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलता हूँ तो हमें पता चलता है एंड दैट इज द रीजन वहाँ रेट अभी भी 4000 का अंदर है। अगर सबको पता चल जाएगा तो रेट तो बढ़ेगा ही, तो मेरे को लगता है वो बहुत पोटेंशियल है एंड लोगों को और रिसर्च करना चाहिए। अगर गूगल में आप सर्च करोगे यू विल फाइंड आउट दैट सदर्न बाईपास का डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रोस आ रहे हैं। जैसे कोलकाता का एक बहुत बड़ा स्कूल है साउथ पॉइंट स्कूल, मैं जितना जानता हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, उसका एक बहुत बड़ा कैंपस आ रहा है सदर्न बाईपास के पास, वो बहुत बड़ा कैंपस आ रहा है, लोगों को नहीं पता बट हाँ जो स्कूल के बारे में सोचा है उनको पता होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं जितना सुनाऊँ जो साधन बाईपास के ऊपर सबसे बड़ा बड़ा अभी हॉस्पिटल आ चुका है, जितना भी सुपर स्पेशली हॉस्पिटल है सब साधन बाईपास के ऊपर है, हॉस्पिटल का नीड होता है जो आजकल एक बेसिक नीड है तो वो बाईपास के ऊपर है। बट बाईपास में बड़ा डेवलपर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा साधन एक्सटेंशन और साधन बाईपास को थोड़ा एक्सटेंड जिसको मैं बोलना चाहूँगा उसमें आगे कोई रिसर्च करते हैं तो दे विल फाइंड अच्छा डेवलपर विद इन देयर बजट। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एंड यूजर्स एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो उन लोगों का कुछ लीगल पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये सब उन लोगों को देखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए? यस मैम आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आज से 10-15 साल पहले जब हमारा रियल एस्टेट सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, आई विल नॉट टेक एनी नेम बट बहुत लोगों का पैसा डूब गया। इवन मैं डेवलपर का गलती भी नहीं बोलूंगा, उनके पास भी एक प्रोसेस नहीं था। जैसे हमारा आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारा सेंसेक्स मार्केट जो एक ऑर्गेनाइज हुआ, ऐसे ही रियल एस्टेट बॉडी एक फॉर्म हुआ है। आई थिंक लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कोलकाता में, मतलब हमारा बॉम्बे में ब्रांचेस है, अभी मैं गया था वहाँ पर, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड रेरा जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का रियल एस्टेट बॉडी है जो पूरा रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड ये सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है। तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जेरा के बारे में, जेरा का वेबसाइट में जाएंगे तो इनको सब पता चलेगा। किसी का डेवलपर जैसे कोई प्रोजेक्ट आ गया डिफॉल्ट हो चुका है, कोई प्रोजेक्ट आ गया कंस्ट्रक्शन टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे, तो कोई भी क्लाइंट उनका जेरा का साइट में जाके उस डेवलपर का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, उस डेवलपर का प्रोजेक्ट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मतलब मैं आपको इतना डिटेल्स बता सकता हूँ, जेरा को हम लोगों ने उनका जो पोटेंशियल है वो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत पोटेंशियल है। तो इसीलिए लाइक कंसल्टेंट लाइक गेट माय घर हम लोग जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जैसा बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी यू शुड नो द लीगल लिटिगेटी, क्या लीगल डॉक्यूमेंट आपको चेक करना चाहिए एंड ये इट्स नॉट ए इजी जॉब। नॉर्मल पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं होता है, नॉर्मल क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो व्हाट सेड दे शुड कम टू अस एंड हमसे उनको एडवाइस लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आप किसी भी चीज़ के लिए, बट आप जब प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करो फाइनल करो यू शुड डिस्कस विथ एनी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लाइक आस, मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इंडिया में है कोलकाता में है, किसी के साथ भी आप आराम से बैठ जाओ उनको पूछो जो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी। स्पेशली देर आने के बाद बहुत सिस्टमेटिक हो गया, थोड़ा अगर कोई रिसर्च करेगा तो पता चल जाएगा एंड दे शुड डिस्कस विद द कंसल्टेंट, किसी का थ्रू भी वो प्रॉपर्टी खरीदे उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मेरे को लगता है स्पेशली होम लोन, बैंक का होम लोन रेट बहुत ऊपर नीचे रहता रहता है, रेट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे बैंक है जिनके पास बहुत सारे डिस्काउंट चलते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सारे बैंक बताऊंगा जो आजकल प्रोसेसिंग फीस का डिस्काउंट दे रहे हैं बट नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता, वो जो भी बैंक बोलते हैं उनसे ले लेते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनको तभी फायदा होगा जब वो किसी कंसल्टेंट के साथ बात करेंगे। जैसे हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है हम सबसे पहले क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझते हैं, आपका कितना लोन चाहिए, आपका लोन एलिजिबिलिटी कितना बनता है। अगर आपका लोन एलिजिबिलिटी कम है हम लोग सजेस्ट करते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं, आप ये प्रॉपर्टी से देखो, क्योंकि हो सकता है हमने प्रॉपर्टी खरीद लिया टोकन दे दिया बाद में पता चला हमारा लोन नहीं हुआ, देन इट्स अगेन डिफिकल्ट जॉब टू कलेक्ट दैट मनी और कैंसिल दैट यूनिट, ये बहुत अलग पॉइंट पर चला जाता है। तो मेरा सबको बोलेगा इट्स नॉट ए इजी जॉब, किसी भी क्लाइंट के लिए बोलूंगा आप बिफोर गोइंग टू फाइनल एनी प्रॉपर्टी और बिफोर स्टार्टिंग योर सर्च प्लीज टेक ए एडवाइजर, टेक ए एक्सपर्ट।
थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, और आई एम श्योर हम लोगों का जो व्यूअर्स लिसनर्स है उन लोगों को भी आपके आप जो बताए हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा उन लोगों को। आशा करें कि वो लोग भी ये इम्प्लीमेंट करें, जैसे आप रेरा के बारे में बताए, आप साधन बाईपास के बारे में बताए, ओवरऑल जो कलकत्ता का मार्केट है उसके बारे में बताए, तो ये गेट माई घर से वो लोग जाने और भी जाने ज़्यादा। और Hopefully we have solved your queries, and if you have more queries, please feel free to contact us at Get My Ghar. This is our YouTube channel. We request you to subscribe, like, share, and of course comment, and also follow us on all our platforms.